आप प्रधानमंत्री किनको चाहते हैं, कौन बने? नरेंद्र मोदी। सिंह जी, आप सिंह जी किधर है? अगला प्रधानमंत्री किनको चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी के क्या अभी आज के डेट में? मोदी साहब। हाँ तो बोलिए, यही बात बोलिए। क्या बोलना चाहते हैं आप? रविदत्त टाटरे जी की तरफ से आज बनी। अच्छा। मेन बात भैया, या मोदी के राज चली। अच्छा, पूरा बिहार किसको चाहते हैं कि देश का ये प्रभार सौंपे? प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को हम लोग जीतना। रविदत्त टाटरे जी की तरफ से आज बनी। मेन बात भैया, या मोदी के राज चली। अच्छा, क्षेत्र एक कचनार गांव है लोकसभा क्षेत्र में, रिवेलगंज थाना शायद पड़ता ही है। खूबसूरत गांव, शांतिप्रिय गांव में हमने देखा कि काफ़ी लोग बैठे हैं एक चबूतरे के नीचे। क्यों ना सोचे, अब तो 24 घंटा बाद अब तो सब लोग अपना मतों का प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी समय है 4 बजे तक के पहले। आइए, कुछ नवयुवक लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं, टटोलते हैं उन लोगों से कि आखिर भविष्य की बात है, भारत की बात है, प्रधानमंत्री की बात है। चलिए, क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार सिंह। कुंदन कुमार सिंह, ये छपरा लोकसभा का क्षेत्र है, किधर मन? आप ये नहीं बताएंगे किसको वोट देंगे, इससे मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री सवाल है, आप प्रधानमंत्री किनको चाहते हैं, कौन बने? नरेंद्र मोदी। और आप विपक्ष में राहुल गांधी, उनको हम लोग नहीं चाहते हैं। आप किनको चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। चलिए, अब बचाओ, क्या नाम आपका? अनीश कुमार सिंह। अनीश कुमार सिंह। अनीश कुमार सिंह जी, अनीश, आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई करते हैं, बिजनेस दोनों करते हैं। गुड। अब ये वोट देते हैं ना? जी। चलिए, अच्छी बात है। अब पहली बार वोट दे रहे हैं कि दोबारा दे रहे हैं? दोबारा दे रहे हैं। आप किसको चाहते हैं कि देश का ये प्रभार सौंपे? प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को हम लोग जिताना चाह रहे हैं फिर से। दो वोट तो यहीं हमको मिल गया जी। पूरा अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, क्या नाम जी बाबा? इधर इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है? राहुल। देवकी सिंह। सिंह जी, आप सिंह जी किधर है? अगला प्रधानमंत्री किनको चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी क्यों चाहते हैं? बहुत गरीबों के लिए सहायता करते हैं। गुड। आप भी थोड़ा सा रसक चाहते हैं थोड़ा सा? हाँ, क्या नाम है आपका? जयमोहन सिंह जी। सिंह साहब, बताइए आप कि इनके दबाव, डरे बोलने हैं कि इन लोगों को खुश करने के लिए किन के नाम लिए? दिल से बोल रहे हैं ना, तो कौन होगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। और अगर राहुल गांधी जी का कोई, उनके बारे में क्या कहना है राहुल जी के बारे में? कुछ नहीं कहना। क्या है? कुछ नहीं कहना है। कुछ कहना नहीं है। कुछ कहना नहीं है। इस तरह से मोदी जी को मिल गया यहाँ चार लोग। फिर हम पूछते हैं इधर, क्या नाम है आपका? श्रीकांत सिंह। श्रीकांत सिंह, क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस में हैं। बिजनेस क्रेन लाइन है अपना। अच्छा अच्छा, ओके जी। किनको देश आप सौंप रहे हैं, ये कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? अभी आपके देखने में किसको देना चाहिए बताइए? हम तो नहीं नहीं आप अभी तो नहीं, एक मिनट बता रहे हैं। हम अभी तो हमारा हमसे आप जिरह करेंगे कि लड़ाई नहीं, करेंगे नहीं, कि मत देंगे? आप भी एक मत बताइए। नहीं नहीं, आप किसको देंगे? नहीं नहीं, हमसे आप सबसे अच्छा अभी आज के डेट में मोदी साहब। हाँ तो बोलिए, यही बात बोलिए, इसके अलावा कोई नहीं। और आप भी तो कुछ हमको बता दीजिए, ताकि आप भी घूम रहे हैं ना। हा? आप भी घूम रहे हैं ना। अच्छा, तो आपका भी मन थोड़ा सा हम भी। तो आप कहीं बोल रहे हैं कि आप किन के नाम लीजिए? नहीं, नाम नहीं इसके। अब अगर मोदी के सिवा कोई है क्या आपके नज़र में? कोई है क्या मैंने प्रधानमंत्री के लिए? मुख्यमंत्री के लिए नहीं, प्रधानमंत्री के लिए मोदी से अच्छा कोई है क्या विकल्प? अच्छा, तो वोटर्स जैसे आप जैसे लोग वोट देंगे उस दिन के बाद पता चलेगा ना? वो तो देंगे। हाँ, बराबर देंगे। हाँ, इधर किसी से भी पूछेंगे मोदी ही। पूरा कचनार? पूरा कचनार। कैसे मान लिया? दो चार दस घर है ऐसा होगा। हाँ, जो जात पात पर जाएगा, नहीं तो हम लोग राजपूत हैं। नरेंद्र मोदी कोई राजपूत है नहीं, ठीक है? वो अच्छा आदमी है, उन्हीं को हम लोग देंगे। अच्छा, ये ठाकुरों का गांव है ये पूरा? ठाकुर पूरा ठाकुर नहीं है। हाँ। हर बिरादरी है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सुरेश शाह। सुरेश शाह जी, आप बताइए किधर जाएंगे आप? किनको प्रधानमंत्री केवल और नहीं, प्रधानमंत्री कौन होंगे, आप किनको चाहते हैं? प्रधानमंत्री हम लोग जो मोदी जी हैं उन्हीं की देंगे, हम लोग को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद।
पक्का जिंदा हो देता है। जिंदाबाद सब दिन रहे, आएगा ही नहीं, सब दिन रहे। गरीबों का सब वही सहारा करते हैं, जितना अनाज पानी देते हैं गरीब को सहायता करते हैं। तो हर साल तो बने तो फ्री में अनाज बांटिए रहे, फिर पाँच बोलबे के सही बात है। कोई और चलिए और भी लोगों को टटोलते हैं ऐसा। हाँ हाँ आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, जूता पहने इसीलिए आ जाते। हाँ चले, क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार प्रजापति। प्रजापति जी, प्रजापति जी आप किधर हैं आप? हम मोदी जी की तरफ हैं। अरे मोदी जी ने क्या खिला दिया, हर जगह हर हर मोदी, गारंटी मोदी, क्या चीज़ है आखिर? बहुत कुछ कर दिया, गरीबों के लिए पहले हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं उनका भविष्य। अच्छा इधर आप बताइए, इधर जो अभी लालू जी के पुत्री भी खड़ी हैं इस क्षेत्र में, आचार्य रोहिणी जी, उनके बारे में क्या आपका कहना है? उनके बारे में क्या कहना है, वो आई हैं विदेश से, चुनाव लड़ेंगी, जीत जाएंगी, फिर विदेश चले जाएंगी। राजीव प्रताप रूढ़ी जी यहाँ के नेता हैं हम लोग के, तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे ना। अच्छा अच्छा, रूढ़ी जी बहुत सारा काम किए हैं छपरा में। चलिए हाँ, क्या नाम जी? भागे मत, भागे मत, युवा आदमी हो, क्या नाम है? मेरा सत्येंद्र प्रसाद जी। सर सत्येंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार प्रसाद जी, इधर मत देखिएगा। जी बोलिए। कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? यही नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी है जी। अच्छा, और आपका क्या नाम हुआ? राम कुमार सिंह। राम सिंह साहब बताइए, नेक्स्ट जो 2024 का किसको सिंहासन पर बिठाएंगे आप लोग? हम रूढ़ी जी को बैठाएंगे, मोदी जी के तो नहीं। नहीं, मगर प्रधानमंत्री का सवाल है, रूढ़ी जी का नाम मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी को बैठाएंगे। हाँ प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के, मोदी जी को बैठाते हैं। हर हर मोदी हर जगह। चलिए हम अब कुछ सवाल करेंगे दो आदमी से कि आखिर अब थोड़ा सा प्रश्न करेंगे इन लोग से उम्मीदवारों पर, टटोलते हैं थोड़ा सा, देखें लोग क्या। जो एक हैं सिंह साहब, जो चैनल जो हम ही से उलझ गए कि नहीं आप किसको वोट देंगे, इन्हें सवाल जवाब करते हैं। सिंह साहब एक सवाल बताइए, आप ये यहाँ उम्मीदवार कै गो खड़े हैं सारण क्षेत्र में? हमारा कोई दबाव नहीं है कि आप जहाँ वोट दें, वोट देने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। लेकिन जैसे तो लालू जी के जो पुत्री रोहिणी आचार्य जी हैं, जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, और ऐसे सौभाग्यशाली अपने क्षेत्र में इतने बढ़िया कैंडिडेट मिली है, उनके बारे में क्या करना है? सर उनको देने से हमारा जो मेन पावर है, उनको देने से नहीं आएगा हमारा मेन पावर। बोलिए ना कि ना उनका घर है ना। मेन पावर जो है ना, मुख्यमंत्री के लिए एक बार हम लोग सोचते, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ ओनली वन मोदी जी हैं, उसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। तो बिहार में 40 सीटें हैं जी, आपके अनुसार 40 में? अबे तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, वही मोदी जी आएंगे। हाँ क्या बोल रहे थे आप? 40 में 40 आ रहे हैं लोग बिहार में। आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं क्या? नहीं बता रहे हैं लोग है? जैसे बहुत से पंडित जी लोग हाथ देख बता देता है ये होगा, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं क्या? पार्टी में दम ही नहीं है कांग्रेस में और आरजेडी में। कांग्रेस दम नहीं है? नहीं दम है। कांग्रेस आपको इतना साल, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, एक से एक कांग्रेस में आपको 70 से राजपाट किया, देश बनाया, ये बनाया, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, कौन जी कौन जी, आप कैसे कहते हैं कुछ नहीं किया? देश को कितना पीछा किया है लोग, ये आपको पता है? किस मामले पीछा किया है? बेरोजगारी हुआ, गरीबी हुआ, यहाँ आरजेडी है, अपराध को पूरा बढ़ावा दे रहा है। आज ये तो युवा लड़का थे, इसलिए लोग कह रहे हैं भविष्य 25 का वही मुख्यमंत्री होंगे, नौवा पास को मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हाँ नौवा पास हैं वो, क्या है? हम लोग वोट देंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए ना। गुड। हाँ क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? तुम बच्चा वोट देते हो पहले? अच्छा रुको, ठीक है, तुम अपना मंतव्य दो, क्या 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 बोलना चाहते हैं आप? रविंद्र जी की तरफ से आज बनी, मेन बात भैया या मोदी के राज चली। अच्छा पूरा बिहार में 100%। अच्छा हम आरजेडी की तरफ से आज बने, कैसे? एक बार प्रश्न माइक की देता हूँ, आप कैसे अंदाज लगा ले कि हम राजद की तरफ से आज बने? ये बात कहते नहीं बार बार अड्डे जी कांग्रेस के बारे में, तो वही ना बात बोले तनी हम। अच्छा। मोदी के बारे सिवा में कोई के बात मत करी। ओ नहीं नहीं नहीं, मैंने सुनना चाहते हैं आप लोग, केवल किनको सुनना चाहते हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार।
चलिए विवाह लड़का युवा जो अभी भविष्य में वोटर 2 साल बाद 1 साल होंगे, अच्छा प्रश्न किया। आज हमारे चैनल से आज हम सक्सेस हो गए कि हम पर आरोप लगा कि आप राजद के तरफ से आए हैं। प्रायः ऐसा चैनल पर आरोप लगता है मोदी गोदी। कम से कम हम पहली बार आज सफल हुए कचनार गांव में। खूबसूरत मंदिर, पता नहीं मंदिरें लगता है यहाँ पर, विकास समिति। आज हमारा चैनल लोक स्मार्ट चैनल असफल, एक बच्चा जो कमिंग अगले 2 साल वोट देगा उसका रिमार्क कि आप राजद पहली बार भारतवर्ष का चैनल पर आरोप लगा कि आप राजद के तरफ से हैं। ऐसा लगना चाहिए, जो हम यही चाहते हैं कि हमारे चैनल पर खुलकर बोलें। अगर मेरे पर भी कोई आरोप बनता है कोई, तो आरोप लगा मेरे पर क्या, मैंने चैनल पर। बहुत से लोग कहते हैं कि आपका आस्था के चैनल, श्वेता सिंह हैं चाहे अंजना जी हैं चाहे और भी हैं, सब पर मोदी गोदी खुलेआम नेतृत्व बोल देता है। कम से कम आज पहली बार एक बच्चे ने कहा कि आप राजद तरफ से नहीं। चलिए, हमने इस गाँव का रिव्यू किया, ये कोई दो मत नहीं, चंद समय की बात है। आज सारण लोकसभा का जो चुनाव, चंद 5 बजे तक ही चुनाव आचार प्रसार खत्म हो जाएगा। कल रेस्ट डे है, परसों चुनाव होगा। इसमें कोई दो मत नहीं, आंकड़ा के अनुसार लगता है कि आपको बिहार की जो 4400 सीट है, जो हम अपने चैनल के माध्यम से पहला सारण का लोकसभा का सीट कम से कम काउंटेड करते हैं, कि हमने कई जगह चेक किया कि ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी जितने लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया अब तक कोई भी किसी ने भी परसेंटेज 20% से नीचे भी किसी ने भी कैंडिडेट के नाम नहीं लिया, चाहे जनार्दन सिंह सिग्रेवाल हो चाहे ये आपको रूड़ी जी हो, बस नाम आता है कमल छाप मोदी जी। यानी कि स्पष्ट है कि अगर जीत होती है, अगर बिहार में 400 लोकसभा सीट पर हमारा जो हमारा सफरनामा पर, हम तो ये अपील करेंगे कि ये सारा जीत का श्रेय मोदी जी का चेहरा कमल छाप पर। अगर कोई सांसद कहता है कि हम जीते हैं तो हमारा चैनल का नहीं, आप नहीं जीते हैं, मोदी जी का चेहरा जीता है, कमल छाप जीता है। चलिए, इसके बाद अपना भ्रमण चलता सफरनामा, चलते हैं दूसरी तरफ। जय हिंद।